स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक वाई डी सी टेक चैनल पे। और आज हम देखने वाले हैं रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं अभी अनबॉक्सिंग रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की, तो स्टार्ट करते हैं। तो सीधा चलते हैं बॉक्स की तरफ। और बॉक्स आप देख सकते हो कि फ्रंट साइड में इसके फोटो दिए हुए हैं टू कलर्स में। साइड में आप देख सकते हो रेडमी की ब्रांडिंग 9 प्रो मैक्स की। पीछे की साइड में आप देख सकते हैं स्पेसिफिकेशन और थोड़ी इंफॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद सीधा मोबाइल अभी ओपन करके देखते हैं। बॉक्स के साथ आपको मिलता है सिम इजेक्टर टूल, अंदर आपको कुछ यूजर गाइड्स, उसके बाद अंदर एक सिलिकॉन केस मिलती है मोबाइल की प्रोटेक्शन के लिए। देखते हैं कैसी क्वालिटी है। ट्रांसपेरेंट केस आपको इसके साथ मिल जाती है और थोड़ी बहुत अच्छी है, डिसेंट लगी मुझे, बट इससे अच्छी रह सकती थी। तो इसे रखते हैं साइड में और अंदर देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा मोबाइल, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले बॉक्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। अंदर आपको देखने को मिलेगा 33 वॉट का फास्ट चार्जर, 0 to 50 सिर्फ 30 मिनट्स में मोबाइल चार्ज कर देगा। उसके साथ आपको इसके साथ टाइप सी केबल मिल जाती है। इसके अंदर ऑरेंज कलर दिया हुआ है तो ये मुझे एक अच्छी बात लगी कि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि ये केबल रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की है। अंदर बॉक्स के अंदर कुछ नहीं मिलता तो इसे साइड में रखते हैं। उसके बाद आते हैं सीधा मोबाइल की तरफ। तो ऐसा कुछ मोबाइल दिखता है फ्रंट साइड से। उसके साथ बैक साइड से आपको कुछ स्टिकर्स और मोबाइल कैमरा प्लेसमेंट दिखने को मिल जाती है। इसका कलर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो फिनिश और जो टेक्सचर दिया है वो भी। साइड में आपको दिखता है वॉल्यूम रॉकर और नीचे दिखता है आपको स्कैनर स्विच और स्कैनर बटन, सेम एक ही इसमें दिखने को मिलेंगे आपको। बैक साइड से आपको नीचे ब्रांडिंग और कुछ स्टिकर देखने को मिलते हैं कुछ ऐसे। कैमरा प्लेसमेंट सेंटर में रखी इसलिए मोबाइल बहुत ही डिसेंट लुक देता है। साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ से आपको 3.5 mm जैक और चार्जिंग पोर्ट के साथ माइक का स्लॉट भी मिल जाता है और स्पीकर भी देखने को मिलेगा। इसका UI मुझे पर्सनली अच्छा लगा, डिसेंट लगता है। और उसमें कुछ प्रीलोडेड ऐप्स आते हैं जो आपको यूज़ करना है आप उसे रख सकते हो, जो नहीं करना है आप उसे डिलीट कर दीजिए। एंड्रॉयड का 10th वर्जन आपको इसके साथ मिल जाता है, देख सकते हो आप। फ्रंट साइड में आपको इसका कैमरा देखने को मिलेगा 32 मेगापिक्सल का, तो इससे बहुत से अच्छी अच्छी आप सेल्फीज भी खींच सकते हो। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। कैमरा के अंदर मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिले जो एक अच्छी फोटोग्राफी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहला जो ऑप्शन आपको मिलता है वो स्लो मोशन ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप इसके साथ शॉर्ट वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, नॉर्मल वीडियोज़ का भी ऑप्शन है, फोटो क्लिक कर सकते हो। उसके बाद 64 मेगापिक्सल के फोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो। पोर्ट्रेट मोड भी इसका डिसेंट है। नाइट मोड भी मैंने चेक नहीं किया बट देखूंगा। पैनोरामा जो आप फोटोग्राफी कर सकते हो। प्रो मोड में आपको सारे फीचर मिल जाते हैं जो एक DSLR के साथ मिलते हैं, तो आप मैनुअली आपकी सेटिंग चेंज करके फोटो निकाल सकते हो। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है ये प्लास्टिक मटेरियल यूज़ हुआ है। तो अगर किसी को लगता है कि ये मेटल का होगा तो नहीं, मेटल का नहीं है, बट इतनी उतनी कॉस्ट कटिंग चलती है आजकल मोबाइल्स में। इस प्राइस में रेंज में आपको प्लास्टिक मटेरियल मिल जाता है तो एक डिसेंट, और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी एनहांस होती है थोड़ी, क्योंकि इसका जो फ्रंट और बैक साइड का जो पैनल है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो मुझे ये वाला डिज़ाइन पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जो इसका कैमरा प्लेसमेंट है
तो ये सेंटर में है। पर्सनली ये जो सेंटर में जो होता है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद अच्छा लगता है। बहुत से मोबाइल देख लो कि वन साइड एरे में आपको कैमरा प्लेसमेंट मिलता है, इसमें जो थोड़ा सा बम थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा आपको, थोड़ा सा बम हो गया है इसका कैमराज, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़्यादा कवर केस यूज करते हैं तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और एक बात करना चाहूँगा कि ये जो मोबाइल है ये स्प्लैश प्रूफ है, तो थोड़ा बहुत जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो अगर इस पर गिर जाते हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप इसको लेके स्विमिंग पूल में कूद जाओ और इसको डायरेक्टली पानी में डुबा के एकदम खतरनाक वाला वाटर प्रूफ समझ के इसको यूज करें, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ऐसा मत करना आप। और अगर मैं बात करूँ इसके रिस्पॉन्सिव फीचर्स की, तो इसके जो दोनों वॉल्यूम रॉकर और जो सेंसर और स्विच बटन है वो दोनों राइट साइड में दिए हैं, तो प्रैक्टिकली बहुत ही ईजी हो जाता है और उनकी प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही एक्यूरेट मुझे लगी। तो दिखने में और प्रैक्टिकल यूज करने में आप सिर्फ एक हाथ से मोबाइल यूज कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वॉल्यूम रॉकर लेफ्ट साइड में होता है और सेंसर जो होता है या फिर स्विच का जो बटन होता है वो राइट साइड में होता है, तो बहुत बार आपके हाथ से मोबाइल गिर भी सकता है यूज कर। और इसका जो सेंसर है ट्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा मुझे फास्ट लगा ये सेंसर, एज कम्पेयर टू अगर आप कोई बैक साइड सेंसर या फिर थर्म सेंसर होता है फ्रंट में उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो साइड माउंटेड जो सेंसर्स आ रहे हैं या फिर इस पर्टिकुलर मोबाइल डिवाइस का मैं अगर बात करूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव लगा सेंसर। ये बहुत ही ट्रेंड होता जा रहा है, हर एक मोबाइल में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आगे जो भी मोबाइल आ रहे हैं मतलब एक डेढ़ साल के अंदर के जो भी मोबाइल्स हैं वो साइड माउंटेड सेंसर के साथ ही आ रहे हैं, तो एक अच्छा फीचर है और पर्सनली मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। इस प्रैक्टिकली बहुत ही इजी लगा मुझे थंब के हिसाब से और बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी। अगर मैं सिंगल टच करता हूँ तो आप देख सकते हो कि फ़ौरन ओपन हो रहा है। रेडमी अभी है ना बहुत ही प्रैक्टिकली इसेंशियल थिंग्स पे फोकस करने लगा है, कि प्रैक्टिकली अगर आप देखा जाए तो बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती थी कि सिम कार्ड जो ट्रे होता है वो सिर्फ दो सिम्स ऐड कर सकते हैं, तो अगर आपको स्टोरेज एक्सपांड करना है तो उसके लिए आपको एक सिम कार्ड निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट उसमें नहीं मिलता था पहले। तो आजकल जो भी मोबाइल आ रहे हैं नए वाले और रेडमी खास करके इस पे ज़्यादा फोकस कर रही है कि 2 SIM+1 SD कार्ड का स्लॉट दिया जाए, तो इसका जो सिम ट्रे है वो 2+1 SD कार्ड के साथ आता है। Xiaomi का लेजेंडरी IR ब्लास्टर भी इसके साथ आ जाता है, तो अगर आप किसी भी AC TV या फिर किसी भी हाउस होल्ड डिवाइस को जो डिजिटली कनेक्ट हो सकता है मोबाइल के साथ, तो IR ब्लास्टर के साथ ये मोबाइल आता है, तो आप इसे एज अ रिमोट किसी डिवाइसेस के साथ यूज़ कर सकते हो। बात करता हूँ स्पीकर की और वॉइस क्वालिटी की, तो बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छी मुझे इसकी वॉइस क्वालिटी लगी जो आज आपको प्रोवाइड करता है मोबाइल, वो बहुत ही अच्छा लगा। आप कौन सा भी म्यूज़िक या फिर कौन सी वीडियो आप सुनकर देख लो, जो वोकल्स हैं वो एकदम से एनहांस होके आते हैं बहुत ही अच्छी तरह से क्लियरली। बेजल्स की अगर मैं बात करूँ तो बेजल्स भी इसके बहुत ही अच्छे लगे मुझे, थोड़ा सा नीचे से थोड़ा बड़ा लगता है बाकी कंपैरेटिव अगर बाकी मोबाइल्स के साथ देखता हूँ, बट इसका जो फ्रंट कैमरे का जो डॉट नॉच डिस्प्ले है उसके साथ डॉट नॉच आता है वो बहुत ही यूनिक लगता है और बहुत ही अच्छा है अगर यहाँ पे आप देख सके तो। कि वेरिएंट्स की बात करता हूँ तो इसमें आपको तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक 6GB 64GB, एक 6GB 128GB और एक 8GB रैम 128GB। कैमरा डिपार्टमेंट में आते हैं तो 64 मेगापिक्सल का इसके साथ आपको मेन कैमरा मिल जाता है, प्लस इसके साथ जो 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है तो वो अल्ट्रा वाइड एंगल आपको मिलेगा, और जो 5 मेगापिक्सल का सेंसर है वो आपको मैक्रो लेंस इसमें प्रोवाइड की गई है, तो मैक्रो शॉट्स भी आप बहुत ही अच्छे से ले सकते हो। मैं सैंपल्स आपको इसमें डाल दूंगा तो आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरह से इसमें कैमरास की क्वालिटी इंप्रूव की गई है। और इसके साथ आपको 2 MP का इसके साथ आपको डेप्थ सेंसिंग भी मिल जाता है। डिस्प्ले की अगर बात करूँ तो मैं इसके साथ आपको डॉट डिस्प्ले मिलता है, उसके बाद आपको प्रोटेक्शन में आपको इसका गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, और इसका डिस्प्ले जो है वो 60Hz के साथ आपको देखने को मिलता है। इस मोबाइल में मुझे एक ही थोड़ा सा वीक पॉइंट लगा कि इसके साथ 90Hz का अगर डिस्प्ले होता तो बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता और डिस्प्ले जो है वो और ज़्यादा स्मूथ हो जाता। सॉफ्टवेयर की अगर बात करूँ तो इसके साथ आपको MIUI 11 और एंड्रॉयड का 10th वर्जन मिल जाता है, एंड्रॉयड 10 वर्जन मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और आगे आपको MIUI 12 का अपडेट इसके साथ शायद जल्दी आ जाएगा। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्नैपड्रैगन का 720G आपको इसके साथ मिलता है, तो स्पीड और परफॉर्मेंस जो है आपका बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसके साथ और एक ऐड ऑन किया गया है इस मोबाइल में, नेविक इंडिया का नेविगेशन सिस्टम भी मिल जाता है। अगर आपको पता नहीं होगा कि नेविक क्या है, तो नेविक एक्चुअली एक सैटेलाइट सिस्टम है, नेविगेशन प्रोवाइड करती है और जो नेविगेशन की एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हद तक एनहांस कर देती है। दोस्तों अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो इसके साथ जो
जो बैटरी मिलती है बहुत ही मैसिव बैटरी मिल जाती है आपको 5020 मिली एम्पेयर की बैटरी। इसकी वजह से इसका थोड़ा सा वेट मुझे स्लाइटली ज़्यादा लगा। और इसका जो चार्जर है वो 33 वॉट का चार्जर आपको इसके साथ मिलता है। और जो केबल है इसकी वो टाइप सी केबल आपको इसके साथ मिल जाती है चार्जिंग के लिए। तो जो इसका जो चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है। वेरियंट कौन सा है तो ये 6GB रैम 128GB का वेरियंट है। और ये अमेजोन से परचेस किया था तो मैं इसकी बेस्ट बाय लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे डायरेक्टली वहाँ से बाय भी कर सकते हो। और अगर रियल टाइम में आपको इसकी प्राइस चेक करनी है तो लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। तो दोस्तों बस इतना ही आज के लिए, इस अनबॉक्सिंग में इतना ही रखते हैं। और अगर आपको जेन्युइनली वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।